दोस्तों एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं इस समय यूट्यूब चैनल अमेठी ब्लॉग और मैं हूं अंकुर तिवारी। दोस्तों आप सभी के लिए बहुत बड़ी खबरें जो है, कुछ महत्वपूर्ण खबरें आप लोगों के लिए हैं। तो चलिए एक एक खबरों पर प्रकाश डालते हैं और आपको बताते हैं कि वैक्सीनेटर सहायकों से लेकर के संविदा कर्मियों के लिए और जितने भी विभाग के संविदा कर्मी हैं उनके लिए क्या जो है खबर है, उसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों ये वीडियो हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और आप लोगों का इसमें बहुत ही ज़्यादा जो बेनिफिट्स हैं सरकार के द्वारा दिए जाएंगे केंद्र कर्मचारियों को, उसके बारे में जो है इसमें बताया गया है। तो दोस्तों पूरी जानकारी क्या है और क्या जानकारी निकल के सामने आ रही है वो मैं निरंतर वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी जानकारी जो है अभी आ रही है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसमें जो है क्या है और सैलरी, जैसा कि इसमें आप देख सकते हैं 6950 रुपये से लेकर के 18,000 रुपये महीना हो जाएगी। तो ये क्या खबर है और ये इसकी खबर की क्या सच्चाई है, इसी के पड़ताल करेंगे इस वीडियो में और हम आपको बताएंगे कि इसका क्या है। पहले हम इसको पढ़ के बताते हैं जो ये एसएस जो है बार बार जो है आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा व्हाट्सएप के ग्रुप में, जो वैक्सीनेटर सहायक और कर्मचारियों का जो जो ये व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है उसमें जो है ये हमको मिला है उसी ग्रुप से। तो इसमें देखिए और इसकी जो है हम आपको पूरी सच्चाई बताने वाले हैं कि इस खबर का क्या मतलब है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले पंजाब और हिमाचल प्रदेश के 7 लाख से ज़्यादा कर्मचारी जो सरकारियों कर्मचारियों को जुलाई में बल्ले बल्ले होगी और इनकी सैलरी में करीब 3 गुना तक इजाफा हो सकता है। इससे इनकी मिनिमम सैलरी 6950 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये तक, यानी 18,000 रुपये तक महीना हो जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि एक मोटी रकम जो है इन सबको मिल सकती है और इस खबर के बारे में पूरी हम बातें आपको बता रहे हैं, यानी कि वे अब केंद्रीय कर्मचारियों के 7वें पे मैट्रिक्स के बराबर वेतन पाएंगे। पंजाब के 5.4 लाख कर्मचारियों को जुलाई से ही नया वेतनमान मिलने लगेगा। इसके बाद हिमाचल प्रदेश भी इसे अपने यहाँ लागू करेगा। तो पंजाब सरकार ने जो है इसको लागू करने की सिफारिश भी की है। तो दोस्तों अगर आप पंजाब की तरफ से हैं तो आप लोगों को फायदा मिल सकता है, वो आप चाहे जिस विभाग के कर्मचारी हों, ऐसा इस खबर का मतलब है। तो मिलते हैं अगले। आशा करता हूं कि हमारा ये वीडियो नॉलेजेबल लगा होगा और जो है इसमें दी हुई जानकारियां आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होंगी, क्योंकि एक बहुत ही बड़ी खबर थी आप लोगों के लिए। तो पंजाब में अगर ये लागू होगा तो देश के और भी विभिन्न राज्यों में ये स्कीमें लागू हो सकती हैं, और इसलिए अगर आप किसी भी विभाग में जो है संविदा कर्मी हैं या फिर ऐसा कोई कार्य कर रहे हैं तो आपके लिए ये खबर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा करता हूँ कि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अगर इस वीडियो से संबंधित और जानकारी चाहिए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगला वीडियो जब आए तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन मिल जाए।